खातेगांव तहसील के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। खातेगांव के ग्राम अमेली और काकरिया में सोयाबीन की फसल में फल नहीं आने से किसान बर्बाद होने की कगार पर हैं। उपरोक्त विषय में खातेगांव तहसील के ग्राम अमेली और काकरिया गांव में बारिश व गर्मी के चलते सोयाबीन की फसल तो बढ़ गई, लेकिन उनमें फल नहीं लग पाया, जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसमें अमेली व काकरिया के किसान काफ़ी परेशान हैं। ज्ञापन में सोयाबीन की फसल पूरी नष्ट होने से किसानों ने आज तहसीलदार को जांच करवा कर उचित निर्णय लेने के साथ में बीमा राशि दिलाए जाने की मांग की है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या विषय है और क्या मांग है आप लोगों की? जी जी जी, विषय ये है कि आज ग्राम काकरिया में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो पोजिशन है, जो सोयाबीन में बगैर गर्मी के कारण, कम बारिश होने के कारण जो बगैर गिरा है, वो ग्राम काकरिया में नहीं गिरा है, पूरे प्रदेश में भी ये हालत है। उस मांग को लेकर हमने ग्राम काकरिया से इस चीज़ के लिए आज तारीख में हमने उठाव किया है कि प्रशासन को और शासन को जागरूक किया जावे। उस विषय को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को और माननीय कलेक्टर महोदय देवास जिला के आदरणीय को हमने जो है कि उनके नाम का ज्ञापन खातेगांव तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और हम किसान सब एक साथ है और हमारी किसान की यही मांग है कि बिल्कुल निर्दोष तरीके से इसका सर्वे किया जावे। जिस किसान के साथ ये हरकत हुई है सोयाबीन में बगैर जो गिरा है, उसका सर्वे करके उनका मुआवजा, जो भी मुआवजा बने उसका मुआवजा दिया जावे, एवं जिन खाते में बैंक से इनका बीमा है उनको सूचना देकर उनका बीमा दिया जावे। बस इस मांग के लिए हम सारा लोग सब एक साथ ये खातेगांव आए हैं। कितने दिन की फसल हो गई आप लोगों की? करीब ये मान के चलो 2 महीने की फसल हो गई है जो आपके सामने उपस्थित है। और आप देख लीजिए, आज किसान कोरोना वायरस से पूरा प्रदेश में संकट में है, और आज हम कोरोना वायरस के संकट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारा किसान ये खातेगांव आके ज्ञापन दिया है जो आपके सामने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।